अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 11.1 है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर जो 26 तक थे वो लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, आज हम 27 से स्टार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। हमने लेप्लास फाइंड करना है एल एन टी का। लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या बनेगा, 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस टी एल एन टी डी टी, ठीक हो गया। ये इस तरह बन जाएगा। अगर हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो ये हमारे पास चलते ये ख़त्म होगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पुट करके कर लेते हैं। हम पुट कर लेते हैं, इधर लिखते हैं पुट एस टी जो है उसे यू के इक्वल कर लेते हैं, यू इक्वल एस टी। तो इसका मतलब जो हमारे पास टी है इक्वल आ जाएगा यू ओवर एस के। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें तो डी यू ओवर डी टी आएगा, इक्वल एस आ जाएगा। एस को इधर ले जाए, डी टी को उधर ले जाए, डी यू ओवर डी एस इक्वल आ गया डी टी के, ठीक हो गया। लिमिट जो है वो अगर इधर हम पुट करें, टी पुट करनी है, टी की जगह जीरो पुट करें तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी, मतलब लिमिट हमारे पास यही रहेगी। ये हमारे पास बन जाएगा 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस टी यू की इक्वल है एल एन टी इक्वल है यू ओवर एस के और डी टी इक्वल है डी यू ओवर एस के, डी यू ओवर एस आ गया, ठीक हो गया। इसलिए सेट है एल एन यू ओवर एल एन एस, एल एन यू माइनस एल एन एस। ये हमारे पास बन जाएगा 0 to ∞ ई की पावर माइनस यू एल एन यू डी यू ओवर एस। अब दूसरे को हम इधर लिखते हैं माइनस 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस एल एन एस डी यू ओवर एस, ठीक हो गया। हमने इसे लहदा लहदा कर दिया, एल एन यू माइनस एल एन एस आना था ना, दरमियान में माइनस था उसने लहदा लहदा, तो मैंने लहदा लहदा कर दिया। अब एल एन एस जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एल एन एस जो है कॉन्स्टेंट है हमारे पास, सॉरी एस जो है वो कॉन्स्टेंट है, 1/s कॉमन आ गया। 0 to ∞ ई की पावर माइनस यू एल एन यू डी यू आ गया, माइनस इसमें एल एन एस और एस दोनों को कॉन्स्टेंट है, एल एन एस ओवर एस 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस डी यू हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। ई की पावर यू है, सॉरी, ठीक हो गया। इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, इसे अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1/s 0 to ∞ ई की पावर माइनस यू एल एन यू डी यू, माइनस ये हमारे पास बन जाएगा ई की, पहले इसे लिखें एल एन एस ओवर एस, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस यू ओवर माइनस वन और एस टू इन्फिनिटी, इस पर लिमिट आ गई, ये नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ इसमें एस पुट करेंगे, ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा 1/s 0 to ∞ ई की पावर माइनस यू एल एन यू डी यू, माइनस जब हमने इन्फिनिटी पुट करनी सारे ने जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाना है, ठीक हो, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसे हम नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट होगी समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, वो इस सारे को ज़ीरो कर देगा। अब एस पुट करेंगे, माइनस एस करेंगे, इस माइनस को प्लस बना देगा, इस माइनस को प्लस बना देगा, ये माइनस वैसे ही रह जाएगा। एल एन एस ओवर एस ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एस, ठीक हो गया, यू की जगह एस पुट हुआ तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया एल एन एस ओवर एस, ये यू ज़ीरो नहीं एस है, एस पुट होगी तो ये ज़ीरो, ये वन बन जाएगा, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ पावर ज़ीरो तो वन है तो ये लिखने की ज़रूरत है, हमारे पास अब सिर्फ ये बच गया, ये तो इंटीग्रेट हो गया, अब रह गया ये इंटीग्रेट होने वाला। अब हमने पता है, इधर देखें ज़रा, हमारे पास एक्स प्लस वन जो है हम गामा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 0 to ∞ एक्स ई की पावर माइनस टी टी की पावर एक्स डी यू, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक हो गया। डी टी है, सॉरी, वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है ना, डी टी है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा ऐसे, एक्स प्लस वन डिफ्रेंशिएट 0 to ∞ डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एक्स एल एन टी डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी ना, ये हमने लिख दी, ठीक हो गया। अब अगर हम इसी में पुट करें एक्स इक्वल ज़ीरो तो ये रह जाएगा वन का डेरिवेटिव,
ठीक हो गया, एक्स की जगह जीरो आ गया, टी की पावर जीरो ये वन हो गया, ये हमारे पास आ गया जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एल एन टी डी टी रह गया, ये जीरो थी पावर वन बन गया। अब हमारे पास ये चीज़ रहेगी, अब देखें यहाँ पे ये लिखी है ई की पावर टी है या यू है, एल एन टी यहाँ यू है डी यू, मतलब यहाँ यू यूज़ हुआ है यहाँ टी यूज़ हुआ है, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो हम लिख सकते हैं ये गामा फंक्शन वन है, वन ओवर एस गामा फंक्शन वन का डेरिवेटिव माइनस ये वैसे आ गया एल एन एस ओवर एस, इसका यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक हो गया। एफ ऑफ टी ज़ीरो है अगर टी ग्रेटर लेस दैन थ्री है, और एफ ऑफ टी जो है टी माइनस थ्री का क्यूब है अगर टी जो है ग्रेटर दैन थ्री है, ठीक हो। ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया गया है किसी वेरिएबल और फंक्शन से मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तब, तो इसके लिए हमारे पास होता है कंडीशन होती है कि हम इसे लिखते होते हैं इक्वल ई की पावर माइनस, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन यही होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन अगर ए के या इधर थ्री को डिस्कस किया ना, अगर ए को डिस्कस किया जा रहा होता तो हम लिखते यूनिट स्टेप फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए इक्वल होना था ई की पावर माइनस पाई ओवर माइनस ए, यानी कि जितनी उसकी जिस पे डिस्कस हो रहा होता है ए पे डिस्कस हो तो ए आना था और साथ में आना था एफ ऑफ यू, ठीक हो गया। या एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, एस के एस वेरिएबल अंदर यूज़ होता है ना एस, ठीक हो गया। मतलब कैसे हमने इसका एफ ऑफ टी का लिप्लास लेना था और उसे मल्टीप्लाई कर देना ई की पावर माइनस जिसके रिस्पेक्ट से वो लिप्लास हो रहा है, अगर ये इनके थ्री इस पर डिस्कस हो रहा है हम थ्री लिखेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ टी, इसे अगर लिखें तो लिखा जाएगा ज़ीरो है यानी कि फंक्शन, या फिर हम ऐसे लिखें यू ए यू ए यू टी माइनस थ्री, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये लेस के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे थ्री लिखेंगे क्योंकि हम थ्री यूज़ कर रहे हैं थ्री, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस यू थ्री यू टी माइनस थ्री, ठीक हो गया। ये हमारा लेस के लिए, ग्रेटर के लिए, टी जब लेस देन था तो थ्री, जब टी से थ्री टी टी से थ्री से लेस देन था तो ज़ीरो था, ये तो सारा आ गया ज़ीरो। प्लस जब ये इसके लिए ग्रेटर देन था तो हमारा के पास क्या आ रहा था, टी माइनस थ्री का क्यूब, ठीक हो गया, टी माइनस थ्री का क्यूब आ रहा था और साथ में यू थ्री U3 ऐसे आ गया, इसकी जगह क्या आ रहा था T माइनस थ्री का क्यूब, वो हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लिप्लास फाइंड करना है इसका, लिप्लास फाइंड करना है F ऑफ T का, ठीक हो गया। डायरेक्ट हम लिखते हैं F ऑफ T का हमने लिप्लास फाइंड करना, वो हमारे पास अब सिर्फ इतनी वैल्यू रह गई है, इसका जब हमें होगा पावर कितनी है, थ्री की थ्री टी की पावर थ्री आ रही, तो हम क्या लिखेंगे थ्री का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर थ्री में वन ऐड करेंगे फोर बन जाता है, थ्री का फैक्टोरियल क्या आता है हमारे पास सिक्स ओवर एस की पावर फोर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके साथ लिखना है ई की पावर माइनस, यानी कि थ्री पे अगर डिस्कस हो रहा है थ्री लिखेंगे, अब फोर ए पे डिस्कस हो रहा है तो ए थ्री पे डिस्कस हो रहा है, हम साथ में लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा इसका लिप्लास ई की पावर माइनस थ्री सिक्स ओवर एस की पावर फोर, ठीक हो गया। ई की पावर माइनस थ्री सिक्स ओवर एस की पावर फोर आ गया, साथ में एस भी आता है, यह एस भी था, ठीक हो गया, माइनस थ्री एस, ठीक हो गया। हमने इसे इस तरह से सिंपली एक बार फिर से देख लिया, हमने क्या लिखना है जीरो पे, तो जीरो दर है, जीरो पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने डिस्कस करना लेस देन थ्री पे जीरो दर है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो जीरो आ चुना है, जब ग्रेटर देन थ्री पे हो टी ग्रेटर देन थ्री हो उसमें हमने डिस्कस करना है टी माइनस थ्री का क्यूब को, तो हमारे पास वो क्या आ जाता है सिक्स ओवर, इसका लिप्लास आता है सिक्स ओवर एस की पावर फोर आ जाता है, तो हमने क्या करना है इसका लिप्लास आ गया, हमने सिर्फ उसे मल्टीप्लाई कर देना ई की पावर माइनस ए एस, ए मतलब जिस पे ये डिस्कस हो रहा है, मतलब ई की पावर माइनस थ्री एस इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा सॉल्व। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल है एफ ऑफ एस के, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है फोर एस ग्रेटर देन ए के लिए, तो हमने शो करवाना है कि लाप्लास जो एफ ऑफ सी टी का इक्वल है वन ओवर सी एफ ऑफ एस ओवर सी की इक्वल है, और सी जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और एस जो है उसके उसमें वो यहाँ पे ए से बड़ा था, अगर ए के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दे तब भी एस जो है वो ए से बड़ा ही रहेगा, ठीक हो गया। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि लाप्लास जो है हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल है कैपिटल एफ इंटू एस, और लाप्लास की डेफिनेशन यूज़ करें तो ये किस चीज़ की इक्वल होता है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी
e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसे इस चीज़ को हमने इसके इक्वल प्रूव करना, मतलब ये जो चीज़ है उसको में ये चीज़ लानी। अब हमें क्या चीज़ एफ ऑफ सी टी चाहिए, तो हम इसे चेंज कर देंगे, एफ ऑफ टी है, हम एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ सी टी ले लेंगे, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ सी टी। वो कैसे हो जाएगा, एफ ऑफ सी टी का जब लाप्लास लेंगे तो हम इसे लाप्लास की डेफिनेशन जब यूज़ करें तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। यहाँ पे आता है जिस चीज़ का लाप्लास लेना वो चीज़ आ जाती है, मतलब वही वाला फंक्शन। यहाँ पे मैं किसका लेना एफ ऑफ सी टी का, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ सी टी डी टी आ गया। ठीक हो गया। अब हम लेट कर लेते सी टी को किसी और चीज़ की इक्वल, यू की इक्वल कर लें, वी की इक्वल किसी की, हम यू की इक्वल लेट कर लेते। लेट करते हैं कि सी टी जो है वो इक्वल है यू के, तो फिर t जो हमारे पास होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, t हमारे पास इक्वल आ जाएगा c उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो u ओवर c के। अगर उसे विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा c इक्वल डी यू ओवर डी टी। इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं तो dt इक्वल आ जाएगा हमारे पास डी यू ओवर c। ठीक हो गया। लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी, अगर हम टी की जगह जीरो पुट करें तो यू हमारे पास जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी मतलब लिमिट यही जीरो टू इन्फिनिटी आएगी। अब हम इसमें अगर पुट करें तो ये आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की जगह हम क्या लिखेंगे यू ओवर सी, यू ओवर सी आ गया। ठीक हो गया। एफ सी टी की जगह क्या आएगा यू, एफ ऑफ यू डी टी की जगह आ जाएगा डी यू ओवर सी। ठीक हो गया। ये इस चीज़ की इक्वल था। अब सी हमारे पास कांस्टेंट है, हम वन ओवर सी बाहर निकाल लेंगे, वन ओवर सी हम बाहर आ गया, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू ओवर सी एफ ऑफ यू डी यू, हमारे पास ये इस तरह से बन गया है। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ यू था। अब इधर देखें ज़रा, ये हमारा किस तरह से लिखा गया था, हमारे पास एफ ऑफ एस हमने कैसे लिखा था, जो यहाँ पे फंक्शन उसमें टी था, यहाँ पे भी वो टी होना चाहिए, उसके अलावा बाकी यहाँ पे माइनस के साथ जो भी चीज़ होगी अंदर आ रही है, इसमें भी सेम वही चीज़ लग रही है। यहाँ पे यू है, यू के अलावा माइनस के साथ हमारे पास क्या है सी ओवर एस ओवर सी आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसे एफ में एस ओवर सी लिख लिया और ये इतने पे ये लग गया हमारा, ये यूज़ हो गया। अब बाहर हमारे पास लिखा है वन ओवर सी, हमने उसे दोबारा से वन ओवर सी सी जो था उसे बाहर वैसे ही लिख लिया। अब ये सी की इक्वल प्रूव हो गया, हमारे पास लेप्लास जो था एफ ओफ सी टी जो था वो इक्वल आ गया वन ओवर सी एफ ओफ एस ओवर सी की इक्वल, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, लेप्लास साइन टी साइन स्केयर रूट टी का फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमने कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी का करना है। साइन स्केयर रूट टी का फाइंड करेंगे उसी से आगे हम कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी का फाइंड कर लेंगे। लेप्लास स्केयर रूट साइन टी का करना है, हमारे पास जो होता है साइन टी वो इक्वल होता है हमारे पास टी माइनस टी क्यूब ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस टी फाइव ओवर फाइव का फैक्टोरियल माइनस टी सेवन ओवर सेवन का फैक्टोरियल प्लस सोन, इस तरह चलता जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या साइन स्केयर रूट टी, तो हम रिप्लेस कर देंगे टी की जगह स्केयर रूट टी को। अगर हमारे पास हो जाए साइन स्केयर रूट टी तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट टी, मतलब इनके हम लिखते हैं टी की पावर वन ओवर टू माइनस ये बन जाएगी टी की पावर थ्री ओवर टू थ्री का फैक्टोरियल प्लस टी की पावर फाइव ओवर टू ओवर फाइव का फैक्टोरियल प्लस टी की पावर सेवन ओवर टू ओवर सेवन का फैक्टोरियल प्लस सोन चलता जाएगा। इसका ही हम लाप्लास ले लेंगे, लाप्लास ऑफ साइन स्केयर रूट टी इक्वल लाप्लास ऑफ टी की पावर वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री का फैक्टोरियल लाप्लास ऑफ टी की पावर थ्री ओवर टू प्लस वन ओवर फाइव का फैक्टोरियल लेप्लास ऑफ टी की पावर फाइव ओवर टू माइनस सोन, इस तरह ये चलता जाएगा। हमने एक पढ़ा था कि लेप्लास जो हमारे पास हो, अगर लेप्लास टी की पावर अल्फ़ा वो इक्वल होता है हमारे पास वन ओवर एस की पावर अल्फ़ा प्लस वन और गामा फंक्शन गामा
अल्फा प्लस वन, मतलब अगर हमारे पास सब लाप्लास आ जाए टी की पावर वन ओवर टू का, तो हम उसे लिख सकते हैं वन ओवर एस की पावर वन ओवर टू में वन ऐड करेंगे थ्री ओवर टू आ जाएगी, वन ओवर टू प्लस वन लिख देंगे, वन ओवर टू प्लस वन। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं हमारे पास जिस तरह था हम इसे लिख सकते थे एक्स प्लस वन हो यहाँ पे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह वन ओवर टू बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास जो होता है गामा वन ओवर टू वो पाई स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, ठीक हो गया। उसी तरह हम इसे करेंगे वन ओवर एस की पावर थ्री ओवर टू, ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू गामा फंक्शन यहाँ पे वन ओवर टू, और वन ओवर टू स्केयर हमारे पास इक्वल होता है स्केयर रूट पाई के, ये आ जाएगा वन ओवर टू स्केयर रूट पाई, ठीक हो गया। अब हम अगर इसे इसमें करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसके जगह आ जाएगा वन ओवर एस की पावर थ्री ओवर टू वन ओवर टू स्केयर रूट पाई, ठीक हो गया। माइनस वन ओवर थ्री का फैक्टोरियल, ये पावर थ्री ओवर टू थी इसमें वन वन ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगी फाइव ओवर टू, तो ये बन जाएगा एस की पावर फाइव ओवर टू। अब इसका थ्री ओवर टू करेंगे तो हमारे पास थ्री ओवर टू बाहर आएगा, फिर उसके बाद वन ओवर टू आएगा, उसके बाद स्केयर रूट पाई बन जाएगा, ठीक हो गया। प्लस वन ओवर फाइव का फैक्टोरियल, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एस की पावर फाइव ओवर टू में वन ऐड करेंगे सेवन ओवर टू बन जाएगी। तो अब इधर हम जब लिखेंगे इस तरह से सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास बनेगा, पहले फाइव ओवर टू आएगा, पावर फाइव ओवर टू थी ना उसमें से वन कम माइनस कर दी तो हमारे पास रह गई थ्री ओवर टू, फिर वन के कम की तो वन ओवर टू, और साथ में स्केयर रूट पाई आ गया। सो इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक होगी। हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। अब देखिए इसमें हमारे पास वन ओवर एस की पावर थ्री ओवर टू सब में मौजूद है, स्केयर रूट पाई भी सब में मौजूद है, और वन ओवर टू भी सब में मौजूद है ओवर टू, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया वन माइनस, ये इसका फैक्टोरियल ओपन कर दें, थ्री डॉट टू डॉट वन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा वन ओवर एस और साथ में थ्री ओवर टू आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा वन ओवर फाइव का फैक्टोरियल ओपन करें तो हमारे पास बन जाएगा पहले इसमें से हम जब थ्री ओवर टू बाहर कर देंगे तो एस की पावर हमारे पास रह जाएगी वन ओवर टू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे ये तो सारा बाहर चला गया, तो इसमें से वन जब माइनस किया तो हमारे पास एस की पावर थ्री ओवर टू जब माइनस किया तो हमारे पास वन रह गई, यहाँ से हम थ्री ओवर टू माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी इसकी वन ओवर टू, वन ओवर टू आ गई। अब इसमें से जो फैक्टोरियल फाइव का ओपन करेंगे तो एक फाइव इससे कट जाएगा, थ्री भी कट जाएगा, नीचे रह जाएगा फोर और टू रह जाएगा, फोर हम लिख सकते इस तरह फोर टू, ये वाला टू, ये वन ओवर टू टू और टू आ गया, स्केयर रूट पाई जो था वो हमारे पास बाहर चला गया। इस तरह आगे सोन चलता जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो बाहर लिखा हुआ है ये हमारे पास है स्केयर रूट पाई जो कॉमन लिया था, टू एस की पावर थ्री ओवर टू। अब अंदर हमारे पास बच के इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं वन प्लस, इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन ओवर फोर एस ओवर वन का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस माइनस वन ओवर फोर एस की पावर हमारे पास आ जाएगी टू ओवर टू का फैक्टोरियल, प्लस माइनस वन ओवर फोर एस की पावर थ्री बन जाएगी ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस सोन ये हमारे पास चलता जाएगा। ये इस तरह से ये बन जाएगी इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो, लेकिन ना थ्री से थ्री कट जाएगा, टू टू सा फोर हो जाएगा, ये फोर आ गया साथ में ये ऐसा आ गया, माइनस वाला साइन आ गया और नीचे कोई कोई वन का फैक्टोरियल हमने इसी तरह इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन रही है ई की पावर की फॉर्म में, ई की पावर एक्स जो होती है उस वो भी हमारे पास फॉर्म बन रही है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ई की पावर एक्स इक्वल होता है हमारे पास वन प्लस एक्स ओवर वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री ओवर थ्री का फैक्टोरियल, मतलब ऊपर जितनी इसकी पावर होगी उतना उसका फैक्टोरियल होगा, बढ़ता जाएगा उस तरह से। यहाँ पे पावर जो क्या आएगी जो ऊपर इस पावर के नीचे था वो हमारे पास एक्स था तो एक्स आया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है किसकी पावर चल रही है माइनस वन ओवर फोर एक्स की पावर चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे की पावर माइनस वन ओवर फोर एक्स, और ये चीज़ बाहर वैसी हम लिख देंगे
हमारे पास आ जाएगा पाई स्केयर रूट पाई ओवर टू एस की पावर थ्री ओवर टू, और जो अंदर कॉमन लिया हुआ था ये वो लिख लिया, अंदर जो हमारे पास बन रही थी वो ई की पावर माइनस वन ओवर फोर एस बन रहा था हमारे पास। ठीक हो गया, ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ टी का लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब साइन स्केयर रूट टी को हमने एफ ऑफ टी अगर कह दे तो ये इसका लेप्लास आ गया। अब हमारे पास ये लेप्लास तो हो गया, आगे हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है, इस चीज़ को हमने करना है। कैसे करेंगे हम देखें, एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल था, साइन स्केयर रूट टी के। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्केयर रूट टी ओवर टू स्केयर रूट टी, इसके इक्वल आ जाएगा ना। अब हम इसी का ही लेप्लास लें, टेकिंग लेप्लास अगर हम कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा लेप्लास ऑफ एफ प्राइम एट टी इक्वल, ये टू वन और टू बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी। अब ये जो चीज़ है ये सेम हमारे पास वही चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ गई है, ठीक हो गया, ये वैसी रहेगी। अब हमने सॉल्व करना है इस चीज़ को, ठीक हो गया, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ प्राइम एट टी जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ प्राइम एट ज़ीरो इक्वल वन ओवर टू, और ये हमने वैसे लिख लिया लेप्लास ऑफ कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी, ये चीज़ इसकी इक्वल होती है, हमने प्रूव किया हुआ इसका, ये वही चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक हो गया, एस वैसे आ गया। अब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास क्या था, यही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे, स्केयर रूट पाई ओवर ये साथ में वी भी है ई की पावर माइनस वन ओवर फोर एस, और ओवर में टू एस की पावर थ्री ओवर टू हमने लिख दिया। ठीक हो गया, माइनस एफ प्राइम एट जीरो, एफ प्राइम एट टी की जीरो करेंगे तो ये सारा हमारे पास जीरो आएगा, हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, वन ओवर टू लेप्लास ऑफ कॉस स्केरूट टी ओवर स्केरूट टी। अब ये टू इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टू से इनकी इस तरह भी इसे कैंसिल कर सकते, तो जीरो है ना, खत्म हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये एस है इधर आके माइनस होगा थ्री ओवर टू में से एस की पावर वन है, ये माइनस हो जाएगी तो एस की पावर वन ओवर टू रह जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट में पाई ई की पावर माइनस वन ओवर फोर एस ओवर एस की पावर हमारे पास रह जाएगी वन ओवर टू, लेप्लास आ गया है हमारे पास कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी का लेप्लास आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई ओवर एस स्केयर रूट इकट्ठा लिख लें, ई की पावर माइनस वन ओवर फोर एस लेप्लास ऑफ कॉस स्केयर रूट टी ओवर स्केयर रूट टी। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।